Hello everyone, you are welcome to Best Notes tutorials. As we have completed already uh, Modern A's and the A's of Chaucer in previous videos, one hour video. Now, today we will be talking about Victorian era. And uh, about Victorian era, we will be talking everything. So sit tight and be ready with your pen and uh, paper. सो so, आज हम बात करेंगे विक्टोरियन एरा के बारे में जो कि है आपका 1850 फिफ्टी टू नाइनटीन के बीच में और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ टेनिसन और जो विक्टोरियन एरा है उसे एज ऑफ टेनिसन भी कहा जाता है अब सबसे पहले इसके बारे में हम बैकग्राउंड के बारे में बात कर लें इस एज की वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बैकग्राउंड फर्स्ट इज देयर दिस वॉज एन एरा ऑफ मटीरियल इन्फ्लुएंस यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्पिरिचुअलिटी थी उसके बारे में कम बात हो रही थी और जो साइंस था वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिवेलप डिवेलपमेंट साइंस के बारे में बात की जा रही थी प्रोज के बारे में और रीज़न के बारे में भी बात की जा रही थी तो यहाँ पे हर चीज़ को रीज़न uh, देखा जाता था यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा जैसा कि हम बात करें रोमांटिक पीरियड के बारे में तो वहाँ पे फीलिंग्स ज़्यादा थी ओके लेकिन uh, यहाँ पर जो है यहाँ पर हम मटेरियल इन्फ्लुएंस के बारे में बात करेंगे पॉलिटिकल अवेकनिंग लोग जो है जो थे वो पॉलिटिकली ज़्यादा जागरूक हो रहे थे वर टॉकिंग एंड टेकिंग इंटरेस्ट इन पॉलिटिक पॉलिटिक्स डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और बहुत सारे डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हो रहे थे इंडस्ट्रियल एंड मैकेल प्रोग्रेस यहाँ पर आपने आपको देखने को मिलेगी और एक चीज है कि अगर आप विक्टोरियन एरा को बहुत अच्छे से जानते हैं इफ़ यू नो विक्टोरियन एरा वेल यू विल अंडरस्टेंड मॉडर्न पीरियड वेल और राइट रीजन बिहाइंड इस यहाँ पर जो हो रहा था आप लोगों ने देखा कि जो साइंस थी ओके okay, उसका बहुत ज्यादा डिवेलपमेंट हो रहा था साइंस डिवेलप हो रही थी तो उसके साथ में लोगों के सपने बड़े हो रहे थे पीपल आर यू नो ड्रीमिंग अबाउट सक्सेस ड्रीमिंग अबाउट अचीविंग न्यू थिंग्स सडनली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है अचानक से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है सारी चीजें ख़त्म हो जाती हैं सभी ड्रीम्स वगैरह शटर्ड हो जाते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि जो ग्लूमीनेस है जो सैडनेस है जो एंग्जाइटी है वो हमें मॉडर्न पीरियड में देखने को मिलती है जो आप मेरे दूसरे वीडियो में पूरा देख सकते हैं अब बात करते हैं साइंटिफिक एडवांसमेंट जैसा मैंने आपको कहा कि साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रहे थे तो किसी भी एज को जानने के लिए किसी एरा को जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसका बैकग्राउंड देखें अब इसके बाद आते हैं कुछ और इसकी क्वालिटीज़ पे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं तो फर्स्ट जो है वो है एन एरा ऑफ़ पीस ये जो टाइम था यहाँ पे जो वॉर्स थे वो बहुत कम थे ओनली फ्यू कॉलोनियल वॉर्स तो थोड़े बहुत जो कॉलोनियल वॉर्स uh, चल रहे थे उस वो चल रहे थे बट जो बड़े यू नो कंट्रीज़ के बीच में जो युद्ध थे वो बंद थे द न्यू एजुकेशन प्रेस बिकेम पावरफुल और जो प्रेस जो थी वो आपकी पावरफुल बन चुकी थी और न्यू एजुकेशन जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें रिफॉर्म हो रहा था अब हम यहाँ इंडिया की बात नहीं कर रहे हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं न विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइजेज़ अब यहाँ पे जो था विक्टोरियन एक, कॉम्प्रोमाइज़ एक टर्म आता है विक्टोरियन पीरियड में इसका मतलब होता है कि पीपल वर कॉम्प्रोमाइजिंग अब पीपल किन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे कि साइंस एंड फेथ यहाँ पे क्या हो रहा था कि कुछ लोग जो यू नो साइंस पे ज़्यादा विश्वास करते थे कुछ लोग स्पिरिचुअलिज्म पे ज़्यादा विश्वास करते हैं दे आर स्पिरिचुअल अब क्या था कि दोनों के दोनों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे जो साइंस पे यू नो फेथ जाता था जिनका वो आपका स्पिरिचुअल चीज़ों को भी थोड़ा बहुत देख रहे थे और जो स्पिरिचुअल चीज़ों आ, पे ज़्यादा फेथ करते थे वो यहां देख रहे क्रिश्चियनिटी तो बेसिकली तो अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पे हम that, is, तो दोनों चीजों में और जो साइंस थी वो डिवेलप हो रही थी वो कह रही थी अर्थ क्या है राउंड शेप्ड है तो अब यहाँ पे कंफ्लिक्ट होगा तो जो कन्फ्लिक्ट था उसमें लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे तो यहाँ पर हमें कौन सा इसलिए हम कहते हैं विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज ये एक आइडिया और हम कह सकते हैं टर्म यहाँ पे आया था उसके बाद कुछ एडवांस ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स अगर हम जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या डेमोक्रेटिक आइडियल्स के बारे में बात करें तो क्या क्या वहां पर हुआ रिफॉर्म बिल इन 1832 जो रिफॉर्म बिल आया था वो आया था आपका 1832 का जो रिफॉर्म बिल था इसने इसमें हेल्प की और द रिपील ऑफ द कॉन लॉ ऑफ इन 1848 जो कॉन लॉ था उसे ख़त्म कर दिया गया था द रिफॉर्म बिल इन 1867 या पे 1867 का जो बिल था उसे भी ख़त्म कर दिया गया था एंड वुमेंस वुमेंस लिबरेशन और जो वुमेन थी उनको थोड़ी सी जो थी छूट मिलनी शुरू हो गई थी सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट टेनिसन अब क्योंकि हम जब भी किसी एज को पढ़ें तो उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव राइटर है उसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट टेनिसन टेनिसन ही द द ऑफ ऑफ एज एज अब इसको इसलिए कहा जाता है कि हम इसको कम्पलीट इम्बॉडीमेंट कह सकते हैं कि अगर हम टेनिसन को अच्छे से स्टडी करें तो हमें विक्टोरियन पीरियड की पूरी एक झलक देखने को उसमें मिल जाती है दी ही चैंपियन कॉज ऑफ वुमेन्स प्रोग्रेस एंड एजुकेशन इन द प्रिसेस अब यहाँ पे एक वर्क है जो टेनिसन का है वो है द प्रिंसेस विच गॉट पब्लिश इन एटीन फिफ्टी जो प्रिंसेस है वो एटीन में पब्लिश हुई थी और ये जो है वुमेन की प्रोग्रेस और एजुकेशन के बारे में थी नाउ हियर वी ना अनदर वर्क बाय टेनिसन दैट इज लॉक्सले हॉल लॉक्सले हॉल जो है वो है इज फुल ऑफ रेस्टलेस स्पिरिट ऑफ यंग इंग्लैंड फेथ इन साइंस एंड कॉमर्स अब यहाँ पे फिर से वही साइंस एंड कॉमर्स में जो फेथ था यंग इंग्लैंड का जो यंग जनरेशन थी वो साइंस और कॉमर्स में बहुत ज्यादा विश्वास कर रही थी और उसके जो ड्रीम्स थे वो इन्हीं से रिलेटेड थे तो लॉक्सले हॉल में उन्होंने ये शो किया है तो आप लोगों ने देखा कि जो पहला है द प्रिंसेस उसमें क्या शो किया गया है वुमेन्स प्रोग्रेस एंड एजुकेशन सेकंड क्या है लॉक्सले हॉल लॉक्सले हॉल में उन्होंने साइंस और कॉमर्स के बारे में बात की लॉक्सले हॉल सिक्सटी ईयर्स आफ्टर फिर उन्होंने दोबारा से सिक्सटी ईयर्स आफ्टर ये लिखा एंड शो दीलिंग दैट रैपिड डिवेलपमेंट सीम्स टू बी थ्रेटन टू वेरी फाउंडेशन ऑफ रिलीजन अब जो रैपिड डिवेलपमेंट है यहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज ठीक है तो लॉक्सले हॉल पहले उन्होंने लिखा था और उन्होंने लिखा था यंग इंग्लैंड के बारे में कि उनका कौन सा विश्वास था है? तो हैड फेथ इन साइंस एंड कॉमर्स लेकिन बाद में उन्होंने लॉक्सले हॉल सिक्सटी ईयर्स आफ्टर लिखा इसमें उन्होंने कहा कि जो आ, फीलिंग uh, है रैपिड डेवलपमेंट की साइंस की जो रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है उसमें जो रिलीजन uh, का जो फाउंडेशन है वो कहीं ना कहीं थ्रेटन हो रहा है अब बात करते हैं टेनिसन की एंड दिस इज अबाउट पोइट्री ऑल आइट वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पोइट्री अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन सन ऑफ अ कलर्जी मैन वो एक कलर्जी मैन के बेटे थे और 1850 में उनका जन्म हुआ सॉरी 1850 में वो पोइट लॉरेट बने थे आफ्टर वर्थ एंड हिज पोइटिक एक्टिविटी एक्सटेंडेड ओवर 60 इयर्स उनका जो पोइटिक करियर था वो पूरे uh, 60 इयर्स उन्होंने लिखा पोएम बाय टू ब्रदर्स इन कोलाब्रेशन विद हिज एल्डर ब्रदर चार्ल्स तो उनकी जो फर्स्ट जो पोएम है वो है आपकी पोएम्स बाय टू ब्रदर्स और ये उन्होंने कोलाब्रेशन में लिखी थी अपने ब्रदर चार्ल्स के चीफली लिरिकल उन्होंने लिखी थी एटीन थर्टी में एंड पीरियड ऑफ इमेचोअर पॉइंस तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया कि जो फर्स्ट पीरियड होता है किसी भी राइटर का वो हमेशा इमेच्योर होता है और उसमें वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं या उनका ट्रांसलेशन वर्क होता है तो चीफली लिरिकल्स जो थी वो एटीन थर्टी में लिखी थी अर्लीयर पीरियड था और इमेच्योर पॉइंस उन्होंने लिखी थी उसके बाद बात करते हैं उसके बाद पॉइंस उनका कलेक्शन आया था एटीन थर्टी थ्री में एंड मार्क्स डिसाइडेड एडवांस इन पोइटिक आर्ट इट द लेडी ऑफ द ईटर्स एंड पैलेस ऑफ आर्ट तो ये वर्क उनके पॉइंस वाले सेगमेंट में आए थे उसके बाद है टू वॉल्यूम्स इन 1842 उनके दो वॉल्यूम जो आए वो आए आपके एटीन फोर्टी में फर्स्ट मोस्टली रिवाइज्ड पॉइंस एंड सेकेंड मोटी ऑसर यूलेस एंड लॉक्सलेहल तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट उनकी जो है 1842 का जो है पब्लिकेशन था सो आर थार दोस्ट इंपॉर्टेंट द राइटर मॉटेडी ऑथर यूलिस और लॉक्सलेहॉल ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है टेनिसन की देन केम सम समर पॉइंट उसके बाद उन्होंने कुछ लंबी पॉइंट्स लिखी थी उनमें से हैं दिंसेस एटीन एंड थीम जो द प्रिंसेस थी उसकी थीम क्या थी द न्यू वुमेन इन अ सीरियो कॉमिक मैनर रिटर्न इन ब्लैंक वर्ड्स इसमें जो उन्होंने द प्रिंसेस थी हमने पीछे भी इसके बारे में देखा कि उन्होंने बात की थी वुमेन के एजुकेशन के बारे में न्यू वुमेन के बारे में उन्होंने बात की थी इन मेमोरियम 1850 जो इन मेमोरियम है वो एक इलेजी है और इट इज़ अ फिलोसॉफिकल पॉइंट टू ये एक इलेजी होने के साथ साथ में एक फिलोसॉफिकल पॉइम भी है और ये लिखी थी उन्होंने फॉर हिज़ फ्रेंड आर्थर एच हलम ओके सो ए ए एच एच कहीं कहीं ये भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है तो उन्होंने अपने फ्रेंड आर्थर एच हलम के लिए ये पॉइम लिखी थी उसके बाद आती है नेक्स्ट पोएम मॉड एंड अदर पोएम्स तो उन्होंने मॉडगॉन के लिए ये पोएम लिखी थी मॉड एंड अदर पॉइंट इन एटीन थीम फाइव किंग आर्थर एंड अदर पॉइंट इस पर बहुत सारे ने लिखा है और धीरे धीरे आप लोग इन्हें नोट करते हुए चलिए क्योंकि क्वेश्चन आता है कि जो किंग आर्थर है उससे रिलेटेड कौन कौन सी पोइम्स थी तो टेनिसन की जो ये वर्क है दफ द किंग ये भी आपके किंग ऑर्थर ऑर राउंड टेबल पर है उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जैसे शॉर्टर पॉइंट उनकी थी जो आपकी हैं लॉक्सले हॉल आफ्टर इन जिसमें हमने बात की थी कि उन्होंने पहले लॉक्सले हॉल लिखी थी यंगर जनरेशन के लिए लेकिन अब बाद में उन्होंने फिर लॉक्सले हॉल सिक्सटी ईयर्स आफ्टर लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जो साइंस है उसने फाउंडेशन ऑफ फेथ को कैसे अः हम कह सकते हैं थ्रेटन किया है जो नेक्स्ट हमारे राइटर हैं जिन्हें हम चूज करेंगे विक्टोरियन पीरियड में वो बात करेंगे हम रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में ट्वेल्व टू एटीन एटीन नाइन तक यहाँ पे शेली इंस्पायर्ड हिम टू डेडिकेट हिज लाइफ टू पोएट्री जो शैली थे रोमांटिक पीरियड में उन्होंने इंस्पायर किया रॉबर्ट ब्राउनिंग को पोइट्री लिखने के लिए एंड हिज अर्लिएस्ट वर्क वाज पॉल इन इन जो 1833 में पब्लिश हुआ था एंड व्हाट इन एज व्हाट डू वी हैव इन इट एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्टिव पोएम विथ इन्फ्लुएंस ऑफ शैली तो उनका जो ये एक्सपेरिमेंटल एक वर्क था जैसा मैंने पिछले अभी आपको बताया था कि जो भी फर्स्ट वर्क होगा वो एक्सपेरिमेंटल होगा इमेच्योर होगा या ट्रांसलेटिव वर्क होगा ओके सो इंट्रोस्पेक्टिव पोएम विद इन्फ्लुएंस ऑफ शैली यहाँ पे शैली ने उनको क्योंकि मोटिवेट किया था तो शैली का ही इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है इन Paraclus, uh, uh, 1835 जो 1835 में ये पब्लिश हुआ था अबाउट पोइट्स फेथ इन लव एंड गॉड तो जो फर्स्ट जो पोइट्री थी वो लव एंड गॉड के बारे में थी एंड uh, आप देखेंगे एक चीज़ और आप लोगों के ये थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए कि जो पोइट होते हैं या जो राइटर हैं वो अपनी जो शुरुआत की जो एज होती है उसमें उनका कुछ एग्जूबरेंस देखने को मिलता है और जो उनकी थोड़ी सी जब एज थोड़ी सी uh, बढ़ती है वी कैन से इन हिज ट्वेंटीज़ और थर्टीज़ ही राइट्स अबाउट लव एंड लिटिल बिट स्परिचुअल स्परिचुअलिज्म बट वैन एट द एंड ऑफ द पीरियड अगर आप किसी भी पोइट्री को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें स्पिरिचुअलिज्म ज़्यादा देखने को मिलता है ये एक ऑब्जर्वेशन है मेरा आप लोग इसे आप भी देख सकते हैं जब आप स्टडी कर रहे हों आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा इंग्लिश लिटरेचर को स्टडी करने में फिर है स्ट्रेफोर्ड इन 1837 it was a play रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड सोडेलो इन एटीन रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट एंड लाइफ तो इन्होंने जो लिखा था आर्ट एंड लाइफ के लिए जो लिखा था वो लिखा था डेलो बेल्स एंड पॉम ग्रेनेट तो जो पॉम बेल्स एंड पॉम ग्रेनेट जो लिखा उन्होंने 1846 में लिखा इट वॉज कलेक्शन ऑफ पोइम्स लेटर ही रोड सिक्स प्लेज उसके बाद उन्होंने कुछ सिक्स प्लेज उन्होंने लिखे थे उनमें पीपा पासिस सोल्स ट्रेजेडी किंग विक्टर एंड किंग चार्ल्स द रिटर्न ऑफ ड्रूसिस ब्लॉट ऑन द स्ट्रेचन एंड कॉलम्स बर्थडे ये सभी लिखे उन्होंने एंड ऑल प्लेज लैक इन ड्रामेटिक क्वालिटी लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी के आ, प्ले नहीं माने जाते हैं ड्रोमैटिक लिरिक्स यू कैन सी एटीन फोर्टी सिक्स बिटवीन एटीन थर्टी सिक्स टू एटीन फोर्टी सिक्स इन्होंने टेन ईयर्स के बीच में उन्होंने कुछ ड्रोमेटिक लिरिक्स भी लिखे थे उनमें से जो फर्स्ट है वो है एवलिन होप शो टेंडरनेस यहाँ पे जो एवलिन होप है उसमें टेंडेस के बारे में है अ गोंडोला अबाउट पैशन एंड लवर सप्टिटी एंड माई लास्ट टच इंटेलेक्चुअल बिलियंस वो वार्निंग जो थी वो काइंडनेस के बारे में थी दाइप डिप जेनियल एक्स्ट्रा वेगेंजा ये उनके सिक्स जो थे वर्क वो ड्रामेटिक आपके लिरिक्स हैं जो कि एटीन फोर्टी सिक्स में पब्लिश हुए थे बट ये लिखे गए थे आपके 1836 थर्टी सिक्स टू एटीन के बीच में उसके बाद आता है मोनोलॉग्स uh, जो उन्होंने मोनोलॉग्स लिखे हैं वो कौन कौन से थे फ्रा लिप लिप लिपालिपी लेट मी जूम एटेन ओके सो फर्स्ट वन इज फ्रा लिपा लिपोलिपी एंड्रिया डेल्सार्टो क्लियॉन One word more Bishop Balgam's Apology. So these were his memorable uh, monologues. Next is Dramatic Personae in 1864, a collection of monologues uh, and uh, dessert, Rabbi Ben Ezra and Abbot Wagler. Abbot Wagler. So these were uh, his works. And his last volume was Asolando. Uh, so Asolando got Published in uh, came in eighteen ninety-nine or isi Sal in Kijo death ho thi 1899 may Robert Browning be death ho thi Let's take the next notes and here. Dramatic uh, Monologue. What is Dramatic Monologue? It is a study of character. ऑफ मेंटल स्टेट और मॉरल क्राइसिस इट इज़ वेरी मच लाइक अ सॉल लकी जो सॉल लकी होती है उसी की तरह से डोमेटिक मोनोलॉग भी यूज किया जाता है वन मैनस स्पीच बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू दोनों में क्या 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 डिफरेंस होता है डोमेटिक मोनोलाग एंड सॉल लकी में सॉल लकी डिलीवर्स ओन थाट सिंगल प्रेजेंस यहाँ पे क्या है जो सॉल uh, लकी होती है वहाँ पर जो राइटर होता है वो अपना अपने थॉट वहाँ पर डिलीवर करता है और सिर्फ जो कैरेक्टर होगा वही वहाँ पर प्रेजेंस होगा मोनोलॉग में क्या डिफरेंस है मोनोलॉग देर इज प्रेजेंस ऑफ अदर पर्सन सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दू बिंग डिड नॉट इनवेंट दिवाइस बट इट मेड हिज ओन यहाँ पे ये आपका एक आप कह सकते नोट है कि ब्राउनिंग ने इसे इन्वेंट तो नहीं किया था बट उसने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया था अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड टेनिसन के बाद हैं वो हैं आपका ए एच क्लब एटीन

ना वॉलेज एंड अमोर डी वॉइस एंड डिप डिपसिचल्स सो यू कैन प्रनाउंस दिस थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू ना हिस्स मेमोरेबल मेमोरेबल वर्क उनका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वर्क है मेमोरेबल वर्क है वो है से नॉट दे स्ट्रगल नॉट अवेलिथ ये उनका इम्पोर्टेंट वर्क है नेक्स्ट जो राइटर हैं पोइट हैं वो हैं जेम्स थॉन्सन

ट so, uh, था इंग्लिश लिटरेचर का एलजेसन पीरियड में वो था आपका द्री रेफलाइट मोमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री तो इसे देख लेते हैं प्री रेफलाइट पोइट्स ड्रू देर इंस्पिरेशन फ्रॉम दर्क ऑफ इटालियन पेंटर राफेल जो राफेल थे उन्हीं से तो वो एक पेंटर थे और उन्हीं के वर्क से उन्हीं का जो पेंटिंग थे उनसे ये इंस्पिरेशन लेकर इन्होंने पोइट्री लिखनी शुरू की थी इट वाज़ फाउंडेड इन 1848 इन्होंने 1848 में से फाउंड किया था बाय हॉलमन हंट जॉन मिलियस रॉजेटी एंड थॉमस वोलनर तो जो सबसे पहले इसके इस, इस ग्रुप में थे वो थे आपके हॉलमन हंट जॉन मिलियस एंड रॉजिटी एंड थॉमस वोल्ना ये इस ग्रुप में सबसे पहले थे अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें सबसे पहले तो वो है आपके एन एक्सटेंशन ऑफ रोमांटिक रिवाइवल और जैसा हम देख रहे हैं कि जो विक्टोरियन पीरियड है वो रोमांटिक आइडियल से आ, कुछ दूर होता जा रहा है फीलिंग्स से दूर होता जा रहा है और साइंस और रीजन पे ज्यादा उसका फोकस है तो यहाँ पर ये ग्रुप आया जिन्हों जिसने रोमांटिक जो आइडिया था उसको थोड़ा रिवाइव करने की कोशिश की मीडियोलिज्म उसमें लाने की कोशिश की आर्ट फॉर आर्ट से नो डायडिक्टिक और मॉरल पर्पज यहाँ पर ये जो बहुत इंपॉर्टेंट एक हम कह सकते हैं ट्रेंड आया था वो था आपका आर्ट फॉर आर्ट से मीन्स जो भी हम लिखेंगे उसे प्लेजर uh, के लिए लिखेंगे ऑल राइट इट्स नॉट कि ये डायडेक्टिक हो या मॉरल पर्पज़ हो डायडेक्टिक का मतलब होता है जिसमें कि कोई मॉरल uh, लेसन अगर कोई है तो हम उसे डायडेक्टिक वर्क कहते हैं पिकारिस uh, पिक्चरिस्कनेस तो हमें उसमें कुछ पिक्चरस्कनेस देखने को मिलती है कुछ uh, जो सीनरी है उनका डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है लव ऑफ सिम्बोलिजम देखने को मिलता है कि हमें सिंबल्स डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल्स उसमें देखने को मिलेंगे रेफलेट प्री रेफलाइट जो मूवमेंट के जो भी पॉइंट हैं उनकी पोइट्री में म्यूजिक एंड मेलोडी ये ये भी हमें देखने को मिलता है उसके बाद यहाँ से हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है पहला है दांती गैब्रियल रोजिटी 1828 ट्वेंटी एट टू एटीन एटी टू के बीच में ये रहे द एल्डेस्ट ऑफ द प्री रेफलाइट स्कूल ये सबसे एल्डेस्ट थे प्री रेफलाइट स्कूल में आर्टिस्ट पोइट एंड पेंटर ये तीनों थे आर्टिस्ट भी थे पोइट भी थे और पेंटर भी थे और राफेल हमें पता है कि पेंटर थे तो वहाँ से इंस्पिरेशन लेते थे ओनली टू वॉल्यूम्स उन्होंने सिर्फ दो वॉल्यूम्स निकाले थे पहला था पोइम्स इन 1870 एंड सेकंड बैलेट्स एंड सोनेट्स इन 1881 द स्टाफ एंड द स्क्रिप्ट टेल ऑफ मेडिवल शुअलरी रॉजिटी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई दांते और जो रॉजिटी थी वो, वो जो थे वो इन्फ्लुएंस किससे थे वो दांते से इन्फ्लुएंस थे हिज फेमस पोइम्स द ब्लेस्ड डेमिजल एंड ईव तो उनके जो सबसे फेमस पोइम है वो है ब्लेड डेमिजल एंड दिलियम मॉरिस एटीन थर्टी फोर टू एन नाइनटी सिक्स दी मोस्ट कंस्फिक्यूस फिगर ऑफ मिड विक्टोरियन लिटरेचर जो ये थे ये बहुत इंपॉर्टेंट एक राइटर हैं मिड विक्टोरियन लिटरेचर के विलियम मॉरिस पोइट आर्टिस्ट मैन्युफैक्चरर एंड सोशलिस्ट अगर उनके वर्कस के बारे में बात करें तो द दर्थली ऑफ पैराडाइज तो इसमें ट्वेंटी फोर टेल्स उन्होंने लिखी द डिफेंस ऑफ जेनव फर्स्ट वॉल्यूम जो उनका आया था और द लाइफ एंड डेथ ऑफ द जेसन 1866 में पब्लिश हुआ था ही मॉडल्ड हिमसेल्फ ऑन चौसा और उन्होंने चौसा को फॉलो किया था टू प्रोज वर्क्स द ड्रीम ऑफ जॉन बॉल एंड न्यूज़ फ्रॉम नोवेयर तो उनके दो वर्क हैं द ड्रीम ऑफ जॉन बॉल और न्यूज़ फ्रॉम नोवेयर ये दो उनके वर्क थे ए सी स्वाइन बर्न ए सी स्वाइन 1837 थर्टी सेवन टू नाइनटीन जीरो नाइन एटलांटा इन कॉलिडॉन इन एटीन सिक्सटी केम एंड पब्लिश तो ये जो वर्क था अटलांटा इन कॉलिडॉन ये 1865 में पब्लिश हुआ था एन अटेम्प्ट एट एन इंग्लिश वर्जन ऑफ एन एंशंट ग्रीक ट्रेजडी ये उन्होंने ग्रीक ट्रेजडी को ट्रांसलेशन करने की या उससे मोटिवेटेड होकर लिखने की कोशिश की थी सॉन्ग्स बिफोर सनराइज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स चीफली इन प्रेज ऑफ लिबर्टी ट्रिस्टम एंड अदर पॉइंस यूज कपलेट इन्होंने हैर कपलेट यूज किए थे सम समजिडीज जो कुछ ट्रेजिडीज ए सी श्वाइन बार ने लिखी थी वो हैं द क्वीन मदर रोजमिन चेस्टरलैट बॉसवेल मैरी स्टूवर्ट लॉकराइन, द सिस्टर्स और एज अ क्रिटिक अगर उनके वर्क्स देखे जाए तो विलियम ब्लेक पे उन्होंने लिखा आई स्टडी ऑफ शेक्सपियर और स्टडी ऑफ बेन जॉनसन तो उन्होंने बेन जॉनसन शेक्सपियर और विलियम ब्लेक तीनों पर उन्होंने वर्क लिखे थे अदर पोइट्स में बात करें तो एलिजाबेथ बैरिट ब्राउनिंग वाइफ ऑफ पोइट्स पोइट रॉबर्ट ब्राउनिंग तो ये जो एलिजाबेथ बैरिट ब्राउनिंग थी ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ थी और उनके वर्क जो थे एन एस ऑन माइंड Bound, ये important work है, और सोनेट फ्रॉम Sonnet from Portuguese 1847 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके सोनेट हैं और वर्क थे एलिजाबेथ बैरेट ब्राउन के क्रिस्टीना जॉर्जिया रोजेटी तो जो रोजेटी थी शी लिव्ड थ्रू 1830 टू 94 फोर यंगर सिस्टर ऑफ डी जी रॉजेटी ये डी जी रॉजेटी की यंगर सिस्टर थी उनके जो वर्क्स हैं वो हैं गैबलिन सॉरी गॉबलिन मार्केट द प्रिंसेस प्रोग्रेस प्रिट एंड अदर पॉइंट वर्सेस इन एटीन नाइनटी थ्री ए सोसे एटीन फोर्टी फोर टू एटी एंड हिज वर्क्स आर एन एपिक ऑफ वुमेन इन 1870 Lays of France, music and moonlight, in 1874. Songs of worker in 1881. Coventry Patmore, next writers, the Angel in the House, the Unknown Arrows or Amelia, Alexander Smith, 1830 to 1867. Poems in 1853. City poems 1857. And Edwin of Dyrham. रॉबर्ट ब्यूकानन एटीन फोर्टी वन टू नाइनटीन जीरो लंडन पोइम्स बुक ऑफ और कैल्ट, सर एडविन अर्नोल्ड द लाइट ऑफ एशिया हिरोड इन एटीन सेवेंटी नाइन विक्टोरिया में अगर हम प्रोज की बात करें तो सबसे पहले हम राइटर लेंगे थॉमस कैरिल सेवेंटीन नाइनटी फाइव टू एटी फाइव सो आई स्कूल टीचर सो थकूल टीचर हिज फेमस वर्क इज सार्ट रिजार्टस ही एक्सप्रेसड हिज स्परिचुअल कन्फ्लिक्ट एंड द रेस्टोरेशन दिस इज कॉल्ड मोस्ट रिमार्केबल एंड वर्सटाइल बुक इन मॉडर्न लिटरेचर तो जो सार्टस रिजार्टस है वो एटीन थर्टी फोर में पब्लिश हुई थी और ये उन्होंने इसमें अपना जो स्परिचुअल कन्फ्लिक्ट था और उसका जो सेटलमेंट था उसके बारे में लिखा है इसे मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर में एक वर्सटाइल बुक माना जाता है The Translation of Goethe's well 1824. में लिखा था लाइफ ऑफ शीला इन टी फाइव हिज एसे ऑन बर्नस एंड स्कॉट हिज मेजर हिस्टोरिकल वर्क आर देंच रेवोल्यूशन ऑलिवर क्रॉमिल्स लेटर एंड स्पीच इन एन The Life of John Sterling, The History of Frederick II of Persia. He wrote this in between uh, 1858 to 1665. Christian Past and Present, 1843. He wrote that and deals with contemporary life and events. work uh, वो डील करता है कंटेप्रेरी लाइफ पे और इवेंट पे कैलिल के अदर जो वर्क्स हैं वह है डील्स विद कंटेपरे लाइफ ओके लेटर लाइफ पैम्पलेट्स तो लेटर लाइफ पैम्पलेट उनके आए थे 1850 में ऑन हीरोज़ हीरो इन हिस्ट्री दीज वर्स सीरीज ऑफ लेक्चर्स ही डिलीवर्ड इन 1837 ये उनके लेक्चर्स थे और जो उन्होंने डिलीवर किए थे 1837 में अब बात करते हैं जॉन रस्किन की जिनका जन्म हुआ था 1819 में और हिज डेथ हिस्सैथीन हंड्रेड सेलसेट एंड एलिफेंटा तो ये उनका पहला वर्क है सेलसेट एंड एलिफेंटा ही वॉन न्यू गेट प्राइज एट ऑक्सफोर्ड फॉर दिस पॉयम उन्होंने जो पॉइम लिखी थी for that newgate prize modern printers sorry modern painters volume first in 1843 uh, mother painters modern painters sorry uh, volume second there is modern painters volume second 1843 to 1860 these seven lamps of the architecture in 1849 the stone of venice 1851 to 53, and the two paths 1859 हिज स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट अरोज हिज़ इंटरेस्ट इन दी ऑफ सोशल कंडीशंस उनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है जिसे काफ़ी फॉलो किया जाता है वो है अन टू दिस लास्ट इन एटीन सिक्सटी वन हिज़ व्यूज़ ऑन पोलिटिकल इकानमी उन्होंने अपने व्यूज़ दिए थे पोलिटिकल इकॉनमी में हिज़ एजुकेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल आइडियल्स वर एक्सप्रेसड इन दिस वर्क तो उन्होंने अपना जो व्यूज़ थे, एजुकेशनल व्यूज थे या उनकी इंस्टीट्यूशनल uh, आइडियाज थे उनको इस वर्क में एक्सप्रेस uh, किया था म्यूनरा पलवरिस इन 1862 टाइम एंड टाइड बाय वियो एंड टाइन इन uh, 1867 सिसम एंड लिलीज़ सिसम एंड लिलीज केम इन लिलीजी एटीन सिक्सटी फाइव ऑफ इस एथिकल टीचिंग्स और जो सिसमे ने लिलीज थे उन्होंने उसमें उन्होंने अपनी जितनी भी एथिकल टीचिंग्स थी उसे रखा था द्राउन ऑफ वाइल्ड ऑलिटी सिक्सटी सिक्स अकॉर्डिंग टू रस्किन देर इज़ अ क्लोज कारस्पोंडेंस बिटवीन आर्ट एंड मॉरल्टी तो रस्कििन ने कहा कि जो आर्ट और मॉरल्टी है उन दोनों के बीच में क्लोज कनेक्शन है एट द प्रेजेंट टाइम रस्किन इज बेस्ट रिमेबर्ड एंड वैल्यूड अ क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सोशल कंडीशन और जो रस्किन है उन्हें आज भी याद किया जाता है और वैल्यू किया जाता है एक मॉडर्न सोशल कंडीशन पे आ, करने के लिए या उसको क्रिटिक करने के लिए टी बी मैकाले एटीन हंड्रेड टू एटीन फिफ्टी नाइन कंट्रीब्यूटेड अ नंबर ऑफ एसेज ऑन दी एडिन एडिनबर्ग रिव्यू में काफी सारे अपने एसेज लिखे थे टू टाइप ऑफ सब्जेक्ट ही डेल्ट विद लिट्रेरी सब्जेक्ट एंड हिस्टोरिकल सब्जेक्ट्स उन्होंने दो तरह की चीज़ों पर लिखा था एक लिटरेरी सब्जेक्ट पे दूसरा हिस्टोरिकल स्टडीज पे मैगनमोपस जो उनका मैगनमोपस है सबसे बड़ा वर्क है वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड मैथ्यू अनॉल्ड एटीन ट्वेंटी एटी एट जो कि काफी बड़े क्रिटिक हैं ऐसे इन क्रिटिसम एटीन सिक्सटी फाइव एंड एटीन एटी नाइन ऑफ़ द हाइस्ट वैल्यू तो जो उनका ऐसे इन क्रिटिसिज्म है वो मैथ्यो अनोल्ड का सबसे बड़ा वर्क है टू हिम पोइट्री इज़ द क्रिटिसिजम ऑफ लाइफ और उन्होंने पोइट्री के बारे में कहा था कि जो क्रिटिसिज्म जो पोइट्री है वो क्रिटिसिजम ऑफ लाइफ है कल्चर एंड अनार की लिटरेचर एंड डोगमा इन 1873 सेवेंटी थियोलॉजिकल एंड पोलिटिकल सो ये जो वर्क थे वो थियोलॉजी और पोलिटिकल पोलिटिक्स से रिलेटेड थे next is walter horatio patter the walter Her horatio patter the, he, uh, he was born in 1839 and died in 94. Uh, so studies in the history of renaissance his work and uh, this was the collection of essays jo studies in the history of renaissance tha, wo collection of essays or imagery portraits अबाउट आर्टिस्ट ये अबाउट आर्टिस्ट था एप्रीशियस ऑन लिटरेरी थीम्स उन्होंने ये लिखा था मैरिस एपिक्रन ये फिलासफिकल उनकी नॉवल थी एंड एसे ऑन स्टाइल ही ऑल्सो रोड सम बात करते हैं ऑक्सफोर्ड मोमेंट की दानियर ऑफ द ऑक्सफोर्ड और ट्रैक्टेरियन मोमेंट इसको जो ऑक्सफोर्ड मोवमेंट है उसे ट्रैक्टेरियन मोमेंट भी कहा जाता है तो अगर हम पाइनियर की बात करें जिन्होंने इसे स्टार्ट किया था तो वो थे कॉर्डिनल न्यूमैन अदर इस्टॉल जो इनके साथ में थे वो थे जॉन केबल डब्ल्यू जे वार्ड एडवर्ड बाउरी फसई एंड जॉन केबल के बारे में बात करते हैं ही गेव इमोशनल एटमोस्फेयर ऑफ द मोमेंट तो जो जॉन जो केबल थे उन्होंने उसे इस मोमेंट को ऑक्सफोर्ड मोमेंट को इमोशनल एटमोसफियर दिया ही वॉज़ प्रोफेसर ऑफ पोएट्री एट ऑक्सफोर्ड ये ऑक्सफोर्ड में पोइट्री के प्रोफेसर थे नेशनल अपोस्टेसी एटीन थर्टी थ्री बुक बाई जैन जॉन केबल स्टार्ट मोमेंट ऑफ थर्टीज तो जो इनकी बुक थी नेशनल अपोस्टेसी एटीन थर्टी थ्री में पब्लिश हुई थी इसने मोमेंट ऑफ थर्टीज़ को इस्टार्ट किया था न्यूमेन लेट काइंडली लाइट तो ये उनकी न्यूमेन की जो बुक है न्यूमेन इज रिमा रिमेंबर्ड फॉर दिस वर्क जो जो लीड काइंड लाइट ये न्यूमेन की सबसे इंपॉर्टेंट बुक है एस एन डॉक्टर डिवेलपमेंट ऑटोबायोग्राफी अपॉलजियो अपॉलजिया प्रोवेटा सु दिस इज कंसिडर्ड हिज स्परिचुअल ऑटोबायोग्राफी तो जो अपॉलजिया प्रोवेटा सु है ये उनकी स्परिचुअल ऑटोबायोग्राफी है द डिवेलपमेंट ऑफ क्रिश्चियन डॉक्टर एंड द ग्रामर ऑफ एसेंट these are his works the oxford movement stimulated religious feeling over the country to तो jo oxford uh, movement tha wo aap log dekh sakte hain agar hum victorian era ki baat kare to sabhi log science ke piche means the and uh, science साइंस की जो ग्रोथ थी वो काफ़ी तेज़ी से हो रही थी एंड जो रिलीजन था उस पर बिलीव थोड़ा कम हो रहा था जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट आया वो आंसर इसी का था और ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जब शुरू हुआ तो जो रिलीजियस फीलिंग्स थी विक्टोरियन इंग्लैंड में वो काफ़ी ज्यादा बढ़ गई थी इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अगेन दी दटीरियलिज्म यहाँ पर जैसा मैंने आप लोगों को बताया तो ये जो प्रोटेस्ट था एक तरह का प्रोटेस्ट था जो मटीरियलिज्म और यूटी यूटीलिटरिज्म के लिए था तो आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट था वो मटीरियलिज्म और यूटीलिटेनिज्म के अगेंस्ट एक तरह का प्रोटेस्ट था आर एल स्टिवेंसन एटीन फिफ्टी टू नाइनटी फोर दी अमेचुओ इट मेमरीज एंड पोर्ट्रेट एंड रैंडम मेमरीज फाउंटेन ब्लू अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस दीज ऑल वर्क बाईल जो आर एल स्टिवेंसन के सारे वर्क्स हैं वो पर्सनल एक्सपीरियंस शो करते हैं सम कॉलेज मेमरीज अज मैगजीन ग्लिम्स ऑफ हिस चाइल्ड हुड एंड यूथ तो ये जो उसके थ्री वर्क हैं आर एल स्टीवेंसन के वो आ, उनके चाइल्डहुड और यूथ के बारे में है वर्जीनिबस प्योरिस्क एंड फेमिलियर स्टडीज ऑफ मैन एंड बुक ये जो वर्क है स्टीवेंसन ब्रॉड द स्टोरी एलिमेंट टू तो ऐसे राइटिंग तो जो स्टोरी एलिमेंट ऐसे राइटिंग में लाए थे वो आपके आर एल स्टिवेंसन थे एन आईलैंड वॉइस ट्रेवल्स विद अ डोंकी फुल ऑफ ह्यूमर एंड फ्लैश ऑफ इमेजिनेशन तो उनका जो एन आईलैंड वॉयस और ट्रेवल्स विद डोंकी है ये उनकी ह्यूमरस uh, वर्क्स हैं और उनका इमेजिनेशन हमें देखने को मिलता है स्टीवेंसन लाइक माउंटेन एंड लैम इज पर्सनल एंड इंटीमेट तो जो स्टिवेंशन थे वो भी माउंटेन और लैम की तरह बिल्कुल पर्सनल वर्क लिखते थे जैसा हमने देखा है कि जो चार्ल्स लैम के जितने एसेज हैं वो पर्सनल उन पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस हैं उन पर लिखे हुए हैं ही वॉज अ ग्रेट ऑब्जर्वर ऑफ मैन एंड नेचर वो बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वर थे मैन और नेचर के ही वॉज बॉर्न एसेस्ट वो एक बॉर्न एसेस्ट थे इसका मतलब बहुत अच्छा उनकी कमांड थी ऐसे एसेज पे हु न्यू हाउ टू मेक यूज ऑफ स्मॉल थिंग्स और वो छोटी छोटी चीज़ों का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे नावल जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विक्टोरियन एरा की सोशल नावल चार्ल्स डिकन्स इन एटीन टू एटीन जो चार्ल्स डिकन्स की नावल्स हैं उनके बारे में बात करेंगी और उनकी लाइफ के बारे में बात करते हैं ही वॉज बॉर्न इन पोर्टसी वो पोर्टसी में पैदा हुए थे मच ऑफ इज बॉयहुड वॉज स्पेंट एट होम वेयर ही रेड स्मॉल एट फील्डिंग एंड लीसेस तो जो चार्ल्स टिकन्स थे इन्होंने स्मॉल एट फील्डिंग और लीसेस को काफ़ी पढ़ा था ही वर्कड एज रिपोर्टर इन दी सन एंड मॉर्निंग क्रॉनिकल उन्होंने ट्रू सन और दी मॉर्निंग क्रॉनिकल दोनों में काम किया था स्केचेस बाय बॉस उनकी जो पहला वर्क था वो था स्केचेस बाय बॉज़ बॉज जो है उनका पेन नेम भी है शॉर्ट नेम भी है हिज आर्टिकल्स अपियर इन दी मंथली मैगज़ीन इन 1833 तो 1833 में उन्होंने स्केचेस बाय बॉज़ उन्होंने पब्लिश किए थे उनके आर्टिकल्स ये थे दे वर विटन ब्रिलियंटली एंड वॉज पब्लिश इन टू वॉल्यूम इन एटीन थर्टी सिक्स और बहुत ही अच्छे उन्होंने ये एसेज लिखे थे और ये दो वॉल्यूम में पब्लिश हुए थे 1836 में लेटर अपियर पिकविक पेपर्स तो उनका जो अनदर वर्क था वो था पिकविक पेपर्स और ये आए थे 1836-37 में ओलिवर ट्विस्ट जो उनका वर्क था 1837 में इट अपियर्ड इन बेंटलेस मिसलेनी एंड निकोलस निकलबाए ये पब्लिश हुआ था आपका एटीन में ही डिड मच ट्रैवलिंग उन्होंने काफ़ी ट्रैवलिंग की थी जिसका इम्पैक्ट उनके वर्क्स में देखने को मिलता है अमेरिका जब वो अमेरिका गए थे तो 1842 में गए थे इटली वो 1842 में ही उन्होंने विजिट किया था 1846 में वो स्विट्ज़रलैंड गए थे और दोबारा वो अमेरिका जो आए थे 1867 में है और उन्होंने जो एडिटेड किए था और जिसके एडिटर रहे वो थे द डेली न्यूज़ 1846 में उन्होंने एडिट किया था हाउस होल्ड वर्ड्स एटीन में और फाउंडेड हिमसेल्फ ये वो, ये जो पेपर था हाउस होल्ड वर्ड्स ये उन्होंने खुद ही फाउंड किया था ऑल द इयर्स अराउंड इन 1859 में उन्होंने एडिटर एडिटिंग वर्क किया था नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज अदर वर्क सो फर्स्ट वन इज अगेन हियर द ओल्ड क्यूरियासिटी शॉप यहाँ पे उन्होंने में ये जो ओल्ड क्यूरियासिटी शॉप था ये 1840 में पब्लिश हुआ था वॉज़ एन इमेंस सक्सेस ये एक उनकी काफ़ी बड़ी सक्सेस रही अमेरिकन नोट्स 1842 फोटी टू अबाउट अमेरिकन एक्सपीरियंस जैसा हमने देखा पीछे कि वो अमेरिका उन्होंने विजिट किया था फोर्टी टू में ही तो उन्होंने वहाँ पर जो भी उनका एक्सपीरियंस था उसे अमेरिकन एक्सपीरियंस नाम से आ, उन्होंने पब्लिश किया मॉर्टिन शिजल बिट लेट मी टेल यू दैट लाइक आई हैव मेड सच नोट्स यू कैन राइट डाउन अदर्स वाइल्ड मेकिंग योर मार्टिन चिजलवर्ट इन एटीन फोर्टी थ्री क्रिसमस कैरल इन एटीन फोर्टी थ्री डॉम्बे एंड सन एटीन फोर्टी सिक्स डेविड कॉपर फील्ड केम इन एटीन फोर्टी नाइनस ऑटोबायोग्राफिकल वर्क सो जो डेविड कॉपर फील्ड है उसमें उन्होंने अपने बचपन की जो जो भी उन्होंने झेला था उसके बारे में लिखा ब्लिक हाउस एटीन फोर्टी टू हार टाइम्स इन एटीन फिफ्टी फोर अ टेल ऑफ टू सिटीज एटीन सिक्सटी ग्रेट एक्सपेक्टेश 1860 सिक्सटी अव अचल फ्रेंड द मिस्ट्री ऑफ एडवेंट रूड डि नॉट फिनिश एज ही डाइड इन एटीन जो मिस्ट्री ऑफ एडवेंट रूड है ये वर्क वो, वो, वो फिनिश नहीं कर पाए क्योंकि एवं एटीन में ही उनकी डेथ हो गई थी डिकिन्स एज नावलिस्ट अगर हम उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बात करें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो पहली चीज़ हमें देखने को जो मिलती है वो है आपका रियलिज्म डिकिन्स इज़ द पाइनियर ऑफ रियलिज़्म उन्होंने रियलिज्म को पाइनियर किया था स्टार्ट किया था तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए कि रियलिज्म यहाँ से स्टार्ट होता है जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वालिटी है आपका आगे विक्टोरियन एज के बाद मॉडर्न एज में रियलिज़्म जो है वो एक हम कह सकते हैं इनसेपरेबल क्वालिटी है मॉडर्न एज लिटरेचर की डिकिंस एक्सपोज वेरियसिवल्स उन्होंने अलग अलग जो बुराइयाँ थी उनके बारे में लिखा चाइल्ड लेबर के बारे में उन्होंने डेविड कॉपरफील्ड के बारे में लिखा था जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी है सॉडिट कंडीशन ऑफ प्रिजन जो जेल में रहने की जो बड़ी मुश्किल कंडीशंस थी वो है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में ह्यूमर एंड पैसोज ह्यूमर इज़ द सोल ऑफ द नावल ऑफ डिकन्स हर जगह हमें ह्यूमर देखने को जरूर मिलता है अगर आप डिक्स को पढ़ें तो पिकविक पेपर इज़ स्टोर हाउस ऑफ ह्यूमर एंड फार्स जो पिकविक पेपर है उन्होंने बहुत सारा उसमें यूम यूज किया है कैरेक्टराइजेशन थोड़ा सा उनके कैरेक्टराइजेशन को देख लेते हैं एक कैरेक्टर जो है मिस्टर पैक स्निफ हिपोक्रेसी पर्सोनिफाइड वो हिपोक्रेसी को पर्सोनिफाई करते हैं मिस्टर डोम्बी एम्बोडाइज प्राइड जो मिस्टर डोम्बी है वो प्राइड को एम्बोडाइज करते हैं एंड टॉम पिंच एमिएबल पर्सोनिफाइड तो ये उनके कुछ कैरेक्टर्स हैं चार्ल्स किंग्सलेटीन नाइनटी टू सेवेंटी फाइव हिज बुक्स एक्सप्रेस द दानसियसनेस ऑफ मिड नाइनटीन सेंचुरी जो चार्ल्स किंगस्ले है उनकी जो बुक है वो मिड नाइनटीन सेंचुरी को बहुत अच्छे तरीके से उसके कॉन्शस को आ, एक्सप्रेस करती है उनकी जो फर्स्ट नावल थी वो थी आल्टन लाइक टेला एंड पोइट इन एटीन फिफ्टी एंड यस्ट हिपैशिया इट वॉज अ हिस्टोरिकल नॉवल ऑन रिलीजियस कॉन्ट्रोवर्सी जो पैसिया थी उनकी वो एक हिस्टोरिकल नॉवल थी और साथ ही साथ रिलीजियस कॉन्ट्रोवर्सी भी उसमें थी वेस्टवर्ड हो वेस्टवर्ड हो इंपॉर्टेंट वर्क है एटीन फिफ्टी फाइव अ टेल ऑफ गुड ओल्ड एज ऑफ क्वीन एल मार्क्स द्लाइमैक्स करिया तो जो वेस्टवर्ड हो है वो क्लाइमैक्स ऑफ करिया उनका शो करता है टू ईयर्स अगो एटीन फिफ्टी सेवन ही टू कप द्रीमियन वॉर तो जो टू ईर्स अगो उन्होंने लिखा था वो क्रीमियन वॉर के टाइम पे लिखा था कैप्चर्डाज capture, uh, तो ये जो उन्होंने uh, बारे में लिखा था नेक्स्ट इज एडवर्ड लिटन बटवा जो जो नेक्स्ट राइटर हैं एडवर्ड लिटन सो वर्क्स आर बल्बोटेंट इन सेवन एंड पैलहम एटीन ट्वेंटी रोमांसेस एंड हैड इन्फ्लुएंस ऑफ बायरन, बोथ वर्क डेल्ट विद क्राइम एंड इनजस्टिस तो ये जो वर्क थे वो क्राइम एंड इनजस्टिस पर लिखे गए थे The Last Days of Pompey, Renji, Leila, The Last of Barons, Harold, your Zenomi, and Strange Story. These were fantastic romances of terror. These work the romances of terror. The Coming Race, a utopian novel, and The Nalum Chillingly. The realist novel. So, if from here you can see realism is coming into existence. People have started writing about realism. Benjamin Disraeli, 1804 to 1881. A statements and Prime Minister of England. Jo Benjamin uh, Disraeli, the Prime Minister. Bhi rahe statements The Vivian Gray, satirical work on uh, fashionable society. Vivian Gray वो उन्होंने सटारिकल वर्क लिखा है एक फैशनेबल सोसाइटी पे फ्लेमिंग अ साइकोलॉजिकल ऑटोबायोग्राफी इन 1832 थर्टी टेंपल इन एटीन थर्टी बाय ये इंपॉर्टेंट वर्क जो है उनका कनिंग्स बाय 1844 फोटी प्रेजेंट पिक्चर ऑफ गवर्निंग क्लासेस तो इसमें उन्होंने गवर्निंग क्लासेस की क्लियर पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश की सिविल ड्रॉज पब्लिक अटेंशन टू तो गवर्न गवर्निंग पार्टीज़ एंड टैंक्रिएट इन एन फोर्टी सेवन तो ये तीनों वर्क उनके काफी इंपॉर्टेंट है जो काफी बार पूछे गए हैं ही बिलोंग्स टू दीटेन ट्रेडिशन ऑफ द्यूमिटेर ट्रेडिशन था उसको उन्होंने फॉलो किया था नेक्स्ट इज रियलिस्टिक नॉवल अब रियलिस्टिक नॉवल के बारे में बात करते हैं डिकंस ने जिसकी शुरुआत की थी विलियम मैकपीस ठाकरे थ्री punch and fraser's magazine. he contributes to these two. his early works, the book of snobs, a biting satire of snobbery, or snobbery parnomenik, history of samuel uh, Titmars, the great hogarty diamond, in 1841, fritz bold boodle paper, in 1842, टू फोटी थ्री बाइटिंग ह्यूमर एंड मर्सिल ऑब्जर्वेश आर सीन इन दीज द मेमोर्स ऑफ द बेरी लेंटन इन एटीन फोटी फोर अ पिकेरिस्क नावल सो दिस इज अ पिकेरस्क नावल वट इज़ पिकारिस्क नॉवल पिकारिस्क नावल इज़ अ नावल वेयर प्रोटैगनिस्ट इज अ रोक कैरेक्टर जिसके पास वर्च्यूज़ नहीं होती हैं पिकेरस्क नावल हम उस नावल को कहते हैं जहाँ पर कि जो हीरो है उसके पास वर्च्यूज़ नहीं होते हैं वो एक बुरा इंसान होता है वैनिटी फेयर वैनिटी फेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है उनका इस जीनेस रीचेस टू तो हाइस्ट लेवल इस वर्क में हमें जो हाइस्ट रीच ऑफ इस जीनेस दिखती है वो है वैनिटी फेयर दिस वर्क इज अबाउट एडवेंचर्स ऑफ बैकी शार्प फीमेल एडवेंचररर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है आपका बैकी शार्प क्योंकि ये एक फीमेल एडवेंचरर है पेंडेनिस एटीन फोर्टी नाइन टू फिफ्टी एंड ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ही ओज हिज डेथ टू फील्डिंग्स यहाँ पर उन्होंने फील्डिंग को बहुत ही अपना मोटिवेशन मानकर लिखा है पेंडेनिस दिस्ट्री ऑफ हैंनरी एसमंड हिस्टोरिकल नॉवल शोज ग्रेट डिटेल्स ऑफ द टाइम्स ऑफ क्वीन एंड तो ये जो नावल है आपकी दिस्ट्री ऑफ हैंनरी एसमंड इसमें क्वीन एन के बारे में है या उसके Uh, जो टाइम था क्वीन एन का जो रेन था शासन था उसके टाइम के बारे में लिखा है दी राउंड अबाउट पेपर सीरीज ऑफ चार्मिंग एसेज ये आपका एक सीरीज है जो लिखी गई है नेक्स्ट इज डेनिस डेवल अनफिनिश्ड एंड इनफीरियर वर्क ये एक अनफिनिश्ड वर्क है उनका डेनियस डेवल एंथनी ट्रॉलॉप एटीन फिफ्टी टू एटीन एटी टू ही वॉज़ इंडस्ट्रियस फॉलोवर ऑफ ठाकरे वो ठाकरे को उन्होंने फॉलो किया था दी वार्डन एटीन फिफ्टी फाइव में आई थी दी बारचेस्टर टावरस एटीन फिफ्टी सेवन दीज आर हिज़ मोस्ट फेमस नावल्स ये उनकी कुछ बहुत फेमस नॉवल्स हैं एंड फ्रेमली परसोनर्स इन परसोनज़ इन एटीन सिक्सटी वन द लास्ट क्रॉनिकल्स ऑफ बारसेट इन एटीन सिक्सटी सेवन ही शोड हिज कंसेप्शन ऑफ पोइटिक कॉमेडी उन्होंने पोइटिक कॉमेडी के बारे में लिखा एंड हिज सटाय पावर ऑफ कंटेम्प्री इंग्लिश लाइफ और जो ये दो वर्क हैं उनके फिनिस फिन एटीन सिक्सटी नाइन और द प्राइम मिनिस्टर इन एटीन सेवनटी सिक्स ये दोनों नॉवेल में उन्होंने कंटेप्ररी इंग्लिश लाइफ के बारे में लिखा है सेम बटलर येट्स एटीन थर्टी फाइव टू नाइनटीन जीरो टू अरवान जो उनका वर्क है वो है एटीन सेवनटी टू एंड अरहोन रिविजिटेड इन नाइनटीन जीरो वे ऑफ ऑल फ्लैश नाइनटीन जीरो थ्री तो ये जो उनके वर्क हैं थ्री वर्क इंपॉर्टेंट हैं ही वॉज ही वॉज इंसिडेंटली नावलिस्ट दो हिज वर्क ही शोड वीकनेसेस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी और जो उनके उनका जो सब्जेक्ट था वो था वीकनेस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी को शो करना नेक्स्ट जो राइटर हैं उनके बारे में बात करते हैं द नॉवल ऑफ पोइटिक कॉमेडी तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट कैरेक्टर है पोइट्री के बाद हमने प्रो सेक्शन में हम देख रहे हैं नोवेल की कैटेगरीज तो इसमें आता है थर्ड कैटेगरी नोवेल ऑफ एज नॉवल एज पोइटिक कॉमेडी George Meredith is the first writer 1829 uh, to 1909 modern love in 1862 his famous poem Richard records his pains and the shaping of snack point the first attempt to fiction to write fiction the ordeal of Richard uh, Favreau in 1859 most memorable work and this work is the study of real life sublimated by पोएट्री सेंड्रा बेलनॉय एंड हैरिंगटन जो हैरिंगटन है उनका वर्क वो एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है एंड कंटेन्स नॉवलिस्ट इंटिमेट डिटेल्स उसके बाद उन्होंने कुछ वर्क लिखे हैं सेंड्रा बेलोय रोड ऑफिंग विक्टोरिया इन 1867 सिक्सटी सेवन इन 1871 दिस इज ऑल्सो ऑटोबायोग्रेफिकल वर्क बियो चैम्स करियर इन एटीन सेवन दस्ट दिस इज हिज मास्टर पीस जो दस्ट उन्होंने लिखा था ये उनका मास्टर पीस है डायना ऑफ द द्रॉसवेज इन एटीन फिफ्टी फाइव जो ये डायना क्रॉसवेज वर्क है ये एटीन फिफ्टी फाइव में लिखा गया था हे एंड लास्ट स्कोप ऑफ न्यू स्पीसी एंड फिक्शन तो जो राइटर हैं जॉर्ज मेरडिस उन्होंने नावल और फिक्शन में एक नई स्पीसीज को लाकर स्टार्ट किया था एंड दैट वाज रोमांटिक कॉमेडी नावल एज अ मीडियम ऑफ हिज फिलासोफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ और जो नावल थी वो उनकी फ़िलासॉफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ भी थी हिज ग्रेट हीरोइन लाइक डाइना क्लारा एंड नटाली स्टैंड अ कंपैरिजन विद शेक्सपियर तो उनके जो कैरेक्टर्स थी डायना एंड क्लारा ये बिल्कुल शेक्सपियर की जो हीरोइंस थी ड्रामास में वो उनको आ, उनके साथ स्टैंड करती थी नेक्स्ट इज थॉमस हार्डी थॉमस हार्डी ने रीजनल नॉवल्स लिखी हैं तो ये आप कैटेगराइज कर सकते हैं पिकार्स के नॉवल्स सोशल नावल राइट रीजनल नावल हिस्टोरिकल नावल इन इस तरह से आप कैटेगराइज़ कर सकते हैं चीज़ों को सोमोस हार्डी एटीन फोर्टी टू नाइनटीन ट्वेंटी एट रिम्बर एज पोइट ही बिलोंग्स मोर टू दी ट्वेंटी सेंचुरी दैन दी नाइनटीन सेंचुरी और जो इनको हम अगर कोई राइटर इस तरह से हमें लगता है कि उसकी जो राइटिंग है उसमें दोनों एजेस की क्वालिटीज़ हैं तो हम उन्हें ट्रांजिशनल राइटर बोल सकते हैं द रिटर्न ऑफ द नेटिव बहुत ही फेमस वर्क है एटीन सेवेंटी वन में एंड द मेयर ऑफ कैस्टरब्रेस एटीन एटी सिक्स टेस्ट ऑफ़ द ड्यू ड्यूबरबल्स इन एटीन नाइनटी वन ज्यूट दबिस एटीन नाइनटी सिक्स दिज आर पेस्टोरल ट्रेजिडीज हियर दीज ऑल आर पेस्टोरल ट्रेजिडीज एक्डन ही प्लेस ही वॉज बॉर्न तो ये एक जगह है एक्डन हीथ इसको थॉमस हार्डी अपने वर्कस में भी काफ़ी बार यूज करते हैं द प्लेस ही वॉज बॉर्न सेक्स अ प्लेस क्रिएटेड कंप्राइजिंग सिक्स ओल्ड कंट्रीज ऑफ साउथ इंग्लैंड तो उन्होंने एक प्लेस के बारे में भी बात की है वो है वो सेक्स तो उनकी नॉवल्स को सेक्स नॉवल्स भी बोला जाता है देन ही रोड रोड सम अदर वर्कस लाइक द हैंड ऑफ एथलब्रेटा इन एटीन सेवेंटी फाइव द लाउडिशियन Two on a tower under the greenwood tree in 1872, far from the madding crowd, a pastoral blue eyes in uh, 75, a trumpet mayor major in 1880, and the woodlanders, the well beloved in 1897. This is about pastoral extravaganza, pastoral romance. Nature plays great role in his works. So wherever you see Thomas Hardy's works, you will see uh, nature is well defined and uh, nature supports his uh, ideas. Two, the well-beloved pastoral extra extravagances, We have seen this one. Short stories he wrote uh, Wessex Tales in 1883. A group of noble dams in 91 lives. Little Ironies uh, in ninety-four, A Changed Man in nineteen thirteen, The Romantic Adventure of Milkmaid in eighteen eighty-three. Some uh, characters of his works are Gil's A Faithful Lover, Joe Gills Faithful Lover, Gills Faithful Lover Tess Betrayed Woman, Eustacia Passion Passionate Woman. Staunch, selfish, tender-hearted heroes: Oak, Gills, Winterborne and Wen. So you can uh, learn these categories of his uh, heroes and heroines. Protagonist: The dashing tickle breaker at Hurt, Sergeant Troy, Waldiv, Alec Dubowells, patient and devoted, forgiving women: Tess, Martine, Elizabeth, and Jean, Willful, capricious, but good-hearted girl. Bathsheba, Grace, and Fancy. Passion, tormented romantic uh, enchantresses like Eustacia and Lucas. So, such notes will help you definitely in your exams if you mug up them well. If you can't understand, then just mug up them for your uh, LT and lecture preparation. Mrs. click Cleghorn Gaskell. इन एटीन टेन टू सिक्सटी फाइव मैरी बार्टन एटीन फोटी एट शोशियोलॉजिकल स्टडी शोविंग द कंडीशन ऑफ द लेबरिंग कंट्रीज तो जो आपकी यहाँ पर हम वमेन नोवलिस्ट की कैटेगरी को देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट हम देख रहे हैं मिसिज एल्जाबैथ क्लिंग गैस्कल को इनके कुछ वर्कस हैं नॉर्थ एंड साउथ इन एटीन फिफ्टी फाइव सिल्वियास लवो एटीन सिक्सटी थ्री मॉरलिस्टिक लव स्टोरी वाइफ्स एंड डॉटर्स लास्ट अनफिनिश्ड नॉवे इट इज़ एन आयरनिकल स्टडी ऑफ स्नॉबिशनेस सो स्नॉबिशनेस पे उन्होंने वाइफ्स एंड डॉटर्स लिखी हियर्स वी सी फाइंड डेलिनीशन ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो फेमेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको रिप्रजेंटेशन दिया है मिसिस गिपसन मॉली गिपसन एंड सिंथी क्रपैट्रिक क्रैनफोर्ड इन 1853 फिफ्टी थ्री मोस्ट सेलिब्रेट वर्क Gaskell. दैसकिल मिसिस गैसकिल वॉज ऑल्सो दाइनियर ऑफ साइकोलॉजिकल नावल जो हमको बाद में अगर हम देखें कि सिल्विया प्लेस एंड अदर मॉडर्न लिटरेचर में तो सिल्विया सॉरी जी जो साइकोलॉजिकल नावल हैं उनको वो देखने को बहुत मिलती हैं उसके बाद आती हैं ब्रॉन्टे सिस्टर्स ब्रांटे सिस्टर्स की जो के जो वर्क हैं द प्रोफेसर 1857 बाय सेवन बाई फर्स्ट नॉवल ऑटोबायोग्राफिकल इन टोन जेन आयर की जेन आयर की जो है हर ग्रेटनेस वर्क ग्रेटेस्ट वर्क एंड ऑटोबायोग्राफिकल इज इट इज लव स्टोरी एंड कंबाइंस रियलिज्म एंड रोमांटिसिज्म, ये दोनों के दोनों जेन आयर जो उनकी वर्क है उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो रियलिज्म और रोमेंटिसिज्म है दोनों का कॉम्बिनेशन एंड विलेट इन 1852 फिफ्टी टू ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है लास्ट नोवेल बाय शॉलेट ब्रांटे नेक्स्ट इज एमली ब्रांटे एमली ब्रॉन्टे का जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है हाइट होपफुली आप लोगों ने ये पढ़ा होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1847 यूनिक वर्क इन इंग्लिश लिटरेचर इट इज़ अ स्टोरी ऑफ पैशनेट एंड ट्रांसेंड्स द लिमिटेशन ऑफ द वर्ल्ड ये जो है पैशन के बारे में है जिसमें कि ट्रांसेंड किया जाता है लिमिटेशन ऑफ वर्ल्ड्स के बारे में एनी ब्रॉन्टे जो लास्ट हैं उनके वर्क्स एग्नेस ग्रे टेनेंट ऑफ वाइल्ड फॉल हॉल्स शी लैक्स द पावर एंड इमेजिनेशन इन हर सिस्टर्स जो इमली ब्रॉन्टे हैं और चॉलेट ब्रॉन्टे हैं उनके जो वर्क हैं जैसे जेन आयर या वुदरिंग हाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इनमें अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन और चीज़ें हमें देखने को मिलती है बहुत ही ब्यूटीफुली लिखी हुई नॉवेल्स हैं और लेकिन जो एनी ब्रांटे हैं उनमें ये देखने को नहीं मिलता है जॉर्ज एलियट एंड अदर राइटर्स वी विल कवर इन नेक्स्ट सेशन बिकॉज आर देयर इज Uh, you know lots to discuss about uh, Victorian era and others. So see you in next lesson and with next days. Thank you for watching.